subscribe and press the bell icon to never miss a video from NYOOOZ. Rafale jahaz saude ki aaye din khulti partein Bharatiya Janata Party Pradhan Mantri aur Raksha Mantri dono ke sarvajanik taur se bole gaye bar bar jhooth ki partein udhed rahi hain. 60,145 करोड़ रुपए की रफेल डील ने साबित कर दिया है कि कल्चर ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म यानी 3 C's अब मोदी सरकार का डीएनए बन गया है. झूठ परोसना व छल कपट का चक्रव्यूह बुन देश को बरगलाना ही अब सबसे बड़े रक्षा सौदे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल मंत्र है. एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं. वास्तविकता यह है कि 36 लड़ाकू राफेल जहाज की खरीद सीधे सीधे उससे गहरी साजिश धोखाधड़ी वे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के एक सुनियोजित षड्यंत्र की बू आती है. अब 4 महत्वपूर्ण तथ्य साफ हैं. सबसे पहले डसॉल्ट एविएशन जो राफेल लड़ाकू जहाज बनाती है उसने 13 मार्च 2014 को भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट 36,000 करोड़ के लिए एक वर्क शेयर एग्रीमेंट किया 36,000 करोड़ का. परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का क्रोनी कैपिटलिज्म प्रेम जब जग जाहिर हो गया जब 10 अप्रैल 2015 को जब उन्होंने 36 रफेल लड़ाकू जहाज की खरीद की घोषणा फ्रांस में की तो उसी दिन हिंदुस्तान की सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दूध से मक्खी की तरह निकालकर दरकिनार कर दिया गया. और यह ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट एक निजी क्षेत्र की कंपनी को दे दिया गया. प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री आज तक इसका कारण नहीं बता रहे.